है आगे चले। यस यस सर। आ जाओ। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे फोर्थ टाइप। क्या पढ़ेंगे? फोर्थ टाइप डीकंपोजिशन रिएक्शन। हाँ बिल्कुल। फोर्थ टाइप हमारा डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है। अब डीकंपोजिशन के अंदर आप सब नोटिस करोगे कि जो हमारा क्या है जनरल रिएक्शन है। क्या है? जनरल रिएक्शन। वो उल्टा है। किससे उल्टा है? हम पढ़ते थे वहां पर एडिशन रिएक्शन में ए प्लस बी गिव्स अस सी। यहां पर क्या हो जाएगा? ए गिव्स अस बी प्लस सी। तो यहां पर हमारे क्या ये जनरल टाइप है। यानी एक सिंगल रिएक्टेंट यहां पर ये क्या है हमारे पास? सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हो गए, टूट कर क्या बना रहा है हमारा? टू प्रोडक्ट्स। टू और मोर देन टू। टू प्रोडक्ट्स फॉर्म कर रहा है। यस सर? नो? हाँ सर बिल्कुल कर रहा है। यस सर। और ये उल्टा है किसका? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का या एडिशन रिएक्शन का? एडिशन रिएक्शन में क्या हो रहा था? वहां पर दो रिएक्टेंट कंबाइन हो रहे थे सिंगल प्रोडक्ट बनाने के लिए। यहां पर उसका उल्टा हो रहा है। यस नो? यस सर बिल्कुल। अब जो डीकंपोजिशन रिएक्शन है वो तीन टाइप की होती है। फर्दर क्या होती है? तीन टाइप की। ठीक है। तो इसके अगर तुम टाइप देखोगे, टाइप, तो पहला जो टाइप होता है उसे बोलते हैं हम थर्मल डीकंपोजिशन। क्या बोलते हैं? सम थर्मल डीकंपोजिशन। अब थर्मल का मतलब होता है हीट। यानी यहां पर जो ब्रेकडाउन होगा किसकी हेल्प से होगा? हीट की हेल्प से। हीट की हेल्प से। हीट की हेल्प से होगा। ठीक है। सॉरी। जो सेकंड टाइप होगा That is called electrical decomposition. यानी यहां पर जो ब्रेकडाउन करेगा वो कौन करेगा? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी। एंड द थर्ड जो टाइप है हमारे पास उसको हम बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन। क्या बोलते हैं? फोटो डिकम्पोजिशन। अब फोटो का मतलब क्या होगा? लाइट। यानी यहां पर किसकी हेल्प से ब्रेकडाउन होगा? लाइट। लाइट की हेल्प से होगा। तो देखते हैं वन बाय वन, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन और फोटो डिकम्पोजिशन के एग्जांपल्स। स्टार्ट करें। यस सर। यस सर। किसी को कुछ नोट डाउन करना है? बताओ। Yes, sir. मेरा हो गया। हो गया नोट डाउन। बाकी सब थोड़ा सा बचा। ओके बट नोट डाउन कर लो जल्दी। मैं कर रही हूँ अभी। ओके कोई दिक्कत नहीं, कर लो आराम। अब तो कोई इशू नहीं है ब्लर का या फिर ऐसा? नो सर कोई इशू नहीं है। ठीक। बता देना हो जाए तो। यस सर मेरा हो गया। हो गया। चलो फिर आगे देखते हैं। आ जाओ। अब हम पहला टाइप कौन सा था? पहला टाइप कौन सा है? थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन। बिल्कुल सही। थर्मल का मतलब मैंने क्या बताया बेबी? हीट। हीट। अब यहां पर हम क्या करेंगे? रिएक्शन को हीट करेंगे और वो ब्रेकडाउन हो जाएगा किसमें? कंपाउंड में। वो भी मोर देन टू कंपाउंड्स बनेंगे।
सबसे इजी एग्जांपल CaCO3 जिसे हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, क्या बोला जाता है इसे, कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पर एरो के ऊपर या तो हीट लिख दो या फिर डेल्टा का साइन बना दो, दोनों का मतलब क्या है, हम क्या कर रहे हैं वहां पर हीट करेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट, किसी ने कैल्शियम कार्बोनेट देखा है बताओ? नो सर। नहीं देखा? मार्बल नहीं देखा आपने? देखा है। कैल्शियम कार्बोनेट होता है, तो इसको हीट करते हैं तो ये बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि क्या होता है सॉलिड स्टेट में, और इसमें से क्या निकल जाएगी, गैस निकल जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ पर तुम देखोगे सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन करके दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहा है। यस सर नो? यस सर। अब आगे देखोगे आप एक और रिएक्शन देखो। अब हमारे पास क्या है, 2PbNO3 ट्वाइस, ये क्या हमारे पास लेड नाइट्रेट, ये क्या है हमारे पास लेड नाइट्रेट। जब इसको हीट करते हैं ये हमारे पास सॉलिड फॉर्म में है और इसका कलर कैसा है, वाइट होता है। जैसे मैं इसको हीट कर दूंगा, क्या करूंगा, हीट करूंगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, 2PbO, जो कि कैसा कलर, कैसा इसका कलर होता है, येलो कलर होता है, ठीक है। और ये भी किस स्टेट में आ जाएगा, सॉलिड स्टेट में, अलोंग विद इसके अंदर से गैस प्रोड्यूस होगी, कौन सी गैस, NO2। NO2 का एक स्पेसिफिक कलर होता है, ये कौन सी गैस होती है सर, ब्राउन कलर की गैस होती है। और बाय प्रोडक्ट में क्या निकलता है, ऑक्सीजन, ठीक है। ये रिएक्शन काफी बार पूछी गई yes, है, काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक तो आप इसमें नोटिस कर रहे हो यहां पर क्या हो रहा है, सर इस रिएक्शन में कलर चेंज हो रहा है सब टांस का, यस नो, व्हाइट से येलो में कन्वर्ट हो रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा, यस yes, हो रहा है। ऊपर से इसके अंदर से गैस भी इवॉल्व हो रही है, उसका भी स्पेसिफिक कलर है, ब्राउन कलर की स्पेसिफिक गैस इसके अंदर से निकल रही है, ठीक है। यस सर, एक डाउट है, पूछो सर, जिस रिएक्शन में गैस इवॉल्व होगी उसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं होगा? नहीं, ऐसा किसने बोला? यस सर, ऐसा कुछ नहीं है कि गैस इवॉल्व हो रही है तो प्रेसिपिटेट नहीं बन सकता, ऐसे भी कुछ रिएक्शन होते हैं जिसमें प्रेसिपिटेट भी बनता है और गैस भी इवॉल्व होती है, यस सर। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं। अभी हम जो सेकंड टाइप है हमारा, सेकंड टाइप क्या है हमारा, इलेक्ट्रिकल डीकंपोजिशन। यहाँ पर किसकी हेल्प से डीकंपोजिशन कराएंगे, इलेक्ट्रिसिटी की, बिल्कुल सही, यहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करेंगे, क्लियर बताओ? यस सर। यस सर। यहाँ तो समझ आ गया, ठीक है, एक सेकंड दो, सॉरी सॉरी। अब इसके बाद जो हम पार्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, आप सबने नोटिस किया सर्दियों में हम क्या करते हैं, वो लगाते हैं वोटर को गर्म करने के लिए, उसके अंदर वो लगाते हैं लाड लगाते हैं, गीजर लगाते हैं, राइट? यस सर। हाँ, एक गीजर के टाइम पर आप नोटिस करोगे तो जैसे ही हम अगर वो रोड लगाते हैं, रोड, तो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी ऑन करते हैं उसके अंदर से बबल्स क्रिएट होने चालू हो जाते हैं, राइट? यस सर। यस सर। होते होते हैं सर, बिल्कुल होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए वो बबल्स कौन सी गैस के बबल्स हैं, तो क्या बोलोगे? तो अगर आपसे पूछा जाए वो कौन सी गैस के बबल्स हैं, तो आप बता दोगे ये नहीं बता पाओगे, बताओ?
हेलो यस सर यस सर चला गया। तो यहां पर आप नोटिस करोगे नेक्स्ट सब वो गैस के बारे में पढ़ रहे थे कि कौन सी गैस इवॉल्व होती है। बिल्कुल इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन के अंदर हम पढ़ रहे थे एग्जांपल वाटर का। इसके एग्जांपल पढ़ रहे थे वाटर का। तो अगर आप नोटिस करते होगे तो विंटर्स में जैसे हमारे पास बकेट्स होती है काफी सारे बकेट्स होती है ऐसे फॉर्म में, तो उस बकेट्स के अंदर हम वाटर फिल करते हैं और उसके अंदर हम ऐसी शेप में यू शेप में एक रॉड लगाते हैं। नोटिस किया आपने? यस सर। तो जब भी आप नोटिस करोगे तो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो इसके अंदर से बबल्स क्रिएट होते हैं दोनों रॉड के ऊपर। क्रिएट होते नहीं होते? यस होते हैं। ठीक है, तो अगर वो बबल्स क्रिएट हो रहे हैं तो मैं बोलता हूँ कि मेरी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास हो रही है। तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो वाटर के अंदर से तो वाटर ब्रेक डाउन कर जाता है। क्या कर जाता है? ब्रेक डाउन कर जाता है कौन सी गैस में? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में। इसमें ब्रेक डाउन कर जाता है हाइड्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इनमें से एक होती है ऑक्सीजन गैस और दूसरी होती है हाइड्रोजन गैस। और आप नोटिस करोगे जो हाइड्रोजन गैस का अमाउंट है वो ऑक्सीजन से डबल बन रहा है। क्या बन रहा है? डबल 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 बन रहा है। ठीक है, वही पर आप एग्जाम्पल लेना चाहोगे तो आप इसका भी एग्जाम्पल ले सकते हो। NaCl, NaCl क्या होती है? क्या बोलते हैं सब? सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अगर सोडियम क्लोराइड मोल्टन स्टेट में प्रेजेंट है, और किसको ये नहीं पता मोल्टन स्टेट क्या होती है? किसको नहीं पता? सबको पता है मोल्टन स्टेट क्या होती है। ठीक है, एक्चुअली मोल्टन स्टेट इज सॉल्ट की लिक्विड स्टेट होती है। ठीक है, ओके सर। आ जाओ, तो जैसे ही इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे इट विल ब्रेक डाउन टू फॉर्म सोडियम मेटल अलोंग विद इसके अंदर से गैस इवॉल्व हो जाएगी। वो गैस कौन सी है? क्लोरीन गैस। आ रही बात समझ में? ये क्या है? यस सर, क्लोरीन गैस। तो इन दोनों के अंदर आप देख रहे हो ब्रेकडाउन हो रहा है। सिंगल रिएक्टेंट बना रहा है क्या? मोर देन टू प्रोडक्ट, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है, तो ये वाला टाइप क्लियर हुआ। और पहला क्या था? थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, और तीसरा टाइप कौन सा है? फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो का मतलब लाइट। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रेक डाउन करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी? लाइट की, सनलाइट की। ठीक है, इसमें बहुत अच्छे रिएक्शन है 2AgBr। ठीक है, हमारे पास सिल्वर ब्रोमाइड। क्या ये सिल्वर ब्रोमाइड? इसके पास थ्रू जब लाइट पास करती है इट विल कन्वर्टेड इनटू, किसमें कन्वर्ट हो जाता है? सिल्वर अलग हो जाता है और ब्रोमीन अलग हो जाता है। ठीक है, अब जो सिल्वर ब्रोमाइड है ये येलो कलर का होता है, और जो सिल्वर होता है सिल्वर का कलर तो आप सभी को पता है कैसा होता है? ग्रे टाइप का। और इसके अंदर से गैस इवॉल्व हो रही है, गैस भी निकल रही है। ये सुनो। यस सर। इसी से मिलता जुलता एक और रिएक्शन है, बोलता है 2AgCl सिल्वर क्लोराइड। इसको पास करेंगे, इसका कलर कैसा होता है सर? व्हाइट कलर होता है। जैसे इसके थ्रू लाइट पास करेगी तो क्या हो जाएगा? सिल्वर में कन्वर्ट प्लस क्लोरीन गैस। ठीक है,
तो जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो आते थे उनमें ये केमिकल यूज होता था, जैसे ही लाइट पास करेगी ब्रोमीन और क्लोरीन निकल जाएगा, वहां का कलर चेंज हो जाएगा, ऐसा ना सर? ये लाइट वाले में वो पहले ऐसे करते थे ना कि फोटो खींचते थे तो वो मतलब अलग ही कुछ लाइट एंटर करेंगे जहां जहां आप बताओ। सॉरी नहीं सर आप बोल लो। नहीं बताओ बताओ कोई दिक्कत नहीं, आप बताओ सर। वो मतलब उसे वो कुछ तो निकलता था, उसे पानी में डालते थे या फिर वो लाइट से कुछ करते थे, वो भी यही होता है? हाँ, अगर आपसे पूछा जाए वाइट जो फोटोग्राफिक फोटोग्राफी में कौन सी रिएक्शन यूज होगी, तो ये वाली रिएक्शन यूज करना, ठीक है? ओके सर। सर और इलेक्ट्रिकल वाले में ये वाले जो रॉड्स होते हैं वो तो होते थे, पर अभी जो वो गीजर्स जो होते हैं उसमें कैसे गर्म होता है फिर? गीजर में भी तो रॉड होते हैं, आप गीजर को ओपन करके देखोगे उसके अंदर रॉड होंगी ऐसे टाइप के, उसमें भी ऐसे रॉड होते हैं? हाँ बिल्कुल होती है, एक साइड से पानी जाता है, पानी अंदर रहेगा, ये इलेक्ट्रिक रॉड्स उसको गर्म कर देंगे और दूसरे साइड से हम पानी निकाल लेते हैं, बस अब बकेट का यूज नहीं करते, वो यूज ऑलरेडी रहता है वहां पर। यस सर। ओके सर। तो हमारा डिकम्पोजिशन का क्लियर हुआ। अभी आप सबने पढ़ा था एडिशन में हमने सिंथेसिस रिएक्शन पढ़ी थी, याद है? सिंथेसिस रिएक्शन उसमें क्या हो रहा था कि हमारे एलिमेंट कंबाइन हो रहे थे और प्रोडक्ट बना रहे थे। सिमिलरली डिकम्पोजिशन में भी एक रिएक्शन होती है जिसे हम बोलते हैं एनालिसिस रिएक्शन। अब नाम से ही पता चल रहा है एनालिसिस पता करना, यानी यहां पर जो कंपाउंड होगा वो अपने एलिमेंट में ब्रेक डाउन कर जाएगा। किसमें ब्रेक डाउन करेगा? कंपाउंड डिकम्पोज इनटू इट्स एलिमेंट। बिल्कुल सही, कंपाउंड डिकम्पोज इनटू इट्स एलिमेंट, ठीक है? एग्जाम्पल देखे इसका बताओ। यस सर। यस सर। आप लिखना चाहोगे तो ये दोनों एग्जाम्पल एनालिसिस रिएक्शन में आ जाएंगे। ये हमारे पास कंपाउंड है, हाइड्रोजन गैस एलिमेंट है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन भी क्या है मॉलिक्यूल। इस रिएक्शन में हमको क्या पता चलता है सर? जो हमारे पास कंपाउंड है वो कौन कौन से एलिमेंट से मिलके बना हुआ है, उसके अंदर कौन कौन से डिफरेंट टाइप के एलिमेंट प्रेजेंट है, वो ये रिएक्शन बताती है। समझ में? यानी यहां पर हमारा ए टूट के बी और सी बनाएगा, और बी और सी क्या है हमारे एलिमेंट्स, ठीक है? सर एक और बार बता दीजिए एनालिसिस रिएक्शन। ठीक है, एनालिसिस में क्या होता है कि हमारा जो सिंगल रिएक्टेंट होता है वो दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में टूटता है, बट जो प्रोडक्ट होते हैं वो हमारे एलिमेंट फॉर्म में होते हैं। कौन सी फॉर्म में होंगे? एलिमेंट फॉर्म में, ठीक है? एग्जाम्पल के तौर पर ये वॉटर वाला एग्जाम्पल उसके नीचे लिख लेना, ठीक है? ये वॉटर, अब यहां पर तुम देखोगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर वॉटर बना हुआ है। यस सर। यस सर। अब जैसे मैंने इलेक्ट्रिसिटी पास की तो मैंने देखा कि ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन एलिमेंट है, यानी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दे रहा है और ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दे रहा है, तो इसका मतलब वाटर के अंदर दो डिफरेंट टाइप के एटम प्रेजेंट है, एक हाइड्रोजन के एटम और दूसरे ऑक्सीजन के एटम। ओके, तो मुझे पता चल रहा है, एनालिसिस हो रहा है कि कौन कौन से एटम्स प्रेजेंट है, ठीक है? यस सर। तो ये चारों के चारों रिएक्शन एक्चुअल में कैसी रिएक्शन है? एनालिसिस सर। तो अगर सर अगर इनमें से कोई एक रिएक्शन आई कि आइडेंटिफाई करना, तो कौन सा लिखेंगे? हाँ
क्वांटिफाई करना है तो आपको एक बार ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन में एनालिसिस रिएक्शन है तो वो कर देना, अदरवाइज ये करना। वो कभी भी पेपर जो भी सेट होता है हमेशा वो ध्यान रखते कंफ्यूजन ना हो, एक से ज्यादा आंसर मैच ना करे, ठीक है? ओके सर। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए क्या ऑल एनालिसिस रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं? हाँ सर होते हैं। yes. बट अगर आपसे ये पूछा जाए कि ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शन एनालिसिस रिएक्शन होते हैं या नहीं होते? नहीं होते, बिल्कुल सही बोला, नहीं होते सर। इसमें एलिमेंट बन रहा है, बट जो हमने किसमें पढ़ा था, थर्मल में, थर्मल में क्या बन रहा था, कंपाउंड फॉर्म हो रहे थे ना, CaCO3 हीट करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा था। वो दोनों के दोनों तो एलिमेंट है नहीं, ये दोनों के दोनों क्या है, कंपाउंड। इसका मतलब क्या है, ये एनालिसिस रिएक्शन नहीं है। यस सर, तो सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन एनालिसिस रिएक्शन नहीं है और सारे एनालिसिस रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन है? है, हाँ बिल्कुल सही। जितने भी एनालिसिस रिएक्शन है वो तो डिकम्पोजिशन का पार्ट है, बट सारे के सारे एनालिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन एनालिसिस रिएक्शन हो ऐसा जरूरी नहीं, ठीक है? ओके सर। इसके बाद नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसको इरेज करता हूँ। चार एग्जांपल को एनालिसिस रिएक्शन के नीचे लिख लेना। यस सर। अगर डिफरेंट रिएक्शन लिखना चाहते हो तो वो भी बता दो, मैं वो भी लिख देता हूँ। सर कोई एक डिफरेंट रिएक्शन बता दो, तो ये वाले भी एक एक दो लिख लेंगे और डिफरेंट वाला भी एक लिख लेंगे। ठीक है, कोई नहीं, मैं डिफरेंट पे दो बता देता हूँ आपको। ये फिजिकल पार्ट है। Yes, sir. ठीक है, हम ले लेते हैं मरकरी ऑक्साइड 2HgO, इसको हीट करेंगे तो ये बनाएगा मरकरी प्लस ऑक्सीजन, दूसरा लिखो 2HiO, इसको हीट करेंगे तो ये बनाएगा हाइड्रोजन गैस प्लस आयोडीन गैस, ठीक है? तो इनमें जो प्रोडक्ट है वो क्या है, एलिमेंट है, यस और नो? यस सर। तो ये एग्जांपल लिख लो एनालिसिस रिएक्शन का। ओके सर। हो जाए तो बता देना। किस किस का हो गया? सर बोलो। सर जो लेफ्ट साइड में डायग्राम बनाया है वो किस किस साथ बनाना है, मतलब कौन से वोटर के साथ? यस। ये अंदर क्या प्रेजेंट है? वैसे बनाना चाहो तो बना सकते हो, कोई वैसा नहीं, कंपलसरी नहीं है ये, ठीक है? चलो और बताओ।
हो जाए तो बता देना, हो गया। ओके अनुज, बाकी सब? सर एक मिनट। ओके कोई नहीं, आराम से कर। मेरा भी हो गया। ओके बढ़िया। सुमाया किसी कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? नो सर। इसके बाद हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सर एनालिसिस रिएक्शन के वो राइट साइड में अच्छे से दिख नहीं रहा है, तो वो कंपाउंड डिकम्पोजर्स के बाद इनटू इट्स एलिमेंट्स है? हाँ, इनटू इट्स एलिमेंट। ओके सर। सौम्या, मुस्कान, आप सब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हो? क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस कर रहे हैं चैप्टर के? थोड़ी करी, थोड़ी थोड़ी, ये सब पूरा नहीं हुआ पर कर रहे हैं। ओके कोई दिक्कत नहीं, आप धीरे धीरे करते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट लगे तो डाउट क्लास में आना। यस सर। ठीक है सर, हो गया। ओके और पीएच वाले में तो कोई दिक्कत नहीं आती, वो सीट क्लियर है आपका? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखो नाम में ही है डिस्प्लेस, तो नाम में डिस्प्लेस है तो काम में क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल, काम भी सर डिस्प्लेसमेंट ही होगा, ठीक है। तो आ जाओ, तो हम बात करेंगे किसकी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की।